छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। चिरान करने की आदत जाती नहीं है? वबा वबा वबा, खामा खा बैठे हुए आदमी को छेड़ते हो। मुझे ना बहुत उदासी हो रही है, इस ईद में ना मम्मा है और ना लड्डू है, और ना मैं लड्डू को बहुत मिस कर रही हूँ। ईद मुबारक हो भाई साहब आप। अरे हाँ भाई, मैंने कहा कि भाई ना अम्मा आई है ना कोई तानी आई है, तो मैंने कहा चलो खुद ही चल के खुशियों में शरीक हो जाओ हैं। लेकिन ये आपके साथ ये लड्डू कैसे भाई? भाई मैंने सोचा कि अखलाकी तौर पे जाया जाए, ये जो बच्चे नादानियां करते हैं ना, तो उनको छुड़ाने के लिए मैं जेल चला गया, तो मैंने क्या देखा कि लड्डू सलाखों के पीछे और बर्फ की सिल्ली पे लेटा हुआ है। मेरा तो बड़ा अफसोस हुआ। अरे तेरी अब अच्छा मामू फिर अच्छा दूर 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 पासा पासा जा कमरे में जा। अबे युची को मास्क लगा भाई। और बात सुन, 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर ले अपने आप को, खबरदार तू खबरे से मार आया है। इसके बाद मैंने इसकी जमानत करा दी। वैसे वैसे भाई साहब आप तो बैठे ना, बैठ जाए। एक शर्त है भाई, तू खड़ा रहेगा तो मैं बैठूंगा। आप तो बैठने के मजे ले। अच्छा बहुत अच्छा किया भाई साहब आप आ गए, बड़ी खुशी हुई। आपके लिए खुशखबरी भी है। हैं? कैसी खुशखबरी भाई? अरे आप नाना बनने वाले हैं। हैं? सना की इतनी हिम्मत? अरे सना नहीं हनी। अच्छा हुआ भाई, ये तो डबल खुशी हो गई भाई। भाई सना कहाँ रह गई भाई? अब मामू सना आई है। अबे तो क्या उसको मैं घर छोड़ के आ जाता? तो कहाँ है भाई वो? अरे भाई वो फोन पे बिजी है, अभी आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। समाजी फादला समाजी फादला, कोरोना कोरोना, दूर 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 कोरोना कोरोना, समाजी फासला बरकरार रखो। आओ बैठो बैठो, फासले से बैठना, फासले से आराम से, दूर 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 फेस स्प्रे करो स्प्रे करो। अबे क्या जिस्म के कीड़े भी मार देगा क्या तू? अबे तुम्हारे लिए तो ये 2 बोतलें भी कम है। चुप हो जा भाई, तुम लोगों के लिए 2 खुशखबरियां हैं भाई। वो क्या भाई? वो क्या भाई? सना का इस बार रिश्ता पक्का करके ही जाऊंगा मैं भाई। हमारा घर तो खुशियों से भर गया, अल्लाह नजरे बद से बचाए भाई। पापा लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने तो करनी है भाई। मेरा मतलब है कि तुम्हारा रिश्ता मैं पक्का करके ही जाऊंगा। हाँ घर की सजावट अच्छी तरह करनी है, खुशी का मौका है। आप बेफिक्र रहे मलका बेगम। मलका बेगम नहीं, रानी बेगम। रानी ये कौन है और क्या कर रहे हैं? बहनों ही है मेरे, मिजाजी फर्ज तो निभाए नहीं जाते लेकिन समाजी फर्ज खूब निभा रहे हैं। अच्छा देखिए जी, मैं पैसे थोड़े ज्यादा लूंगा क्योंकि मैं ईद के दिन आ गया हूँ, वैसे मैं एडवांस में चलता हूँ। आप चलते भी हैं? मैं दौड़ता भी हूँ, मेरा मतलब है कि मैं एडवांस बुकिंग पे काम करता हूँ। भाई ये बताओ ये क्या हो रहा है? ये क्या क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हनी बेटी की गोद भराई और उसकी तकरीब की तैयारियाँ। वेरी गुड। लो भाई सुन लो, सारे अखराजात मैं बर्दाश्त करूंगा। वाकई? मेरा मतलब है भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे उनका दिल चाह रहा है तो कहने देना। गुलाम भाई हनी भी हमारी कुछ लगती है भाई, यूं समझ लो हमारी तरफ से तोहफा है तोहफा। अब आपने बात ही ऐसी कर दी कि मैं कुछ कह ही नहीं सकती। चलो अब बात आगे ना बढ़ाओ, तुम जाके अपना काम करो, मैं खुद बात कर लूंगा इससे, समझ आई ना? ठीक है क्या ना? जाओ या फिर लै में जाओगी? है चली गई। अच्छा चलो ठीक, आ जाए आप भी आ जाए आप भी आ जाए। आ जाओ। अच्छा ये लो आ गया मैं। ये कौन है? ये लड़की के मामू हैं। पैसे आप देंगे? और पैसे मैंने दूंगा भाई। हाँ आप तो पैसे लेने वाले लग रहे हैं, आपसे नहीं मैं इनसे पूछ रहा हूँ। अरे कितनी दफा बोलूं मैं? नहीं नहीं मैं तो सिर्फ कंफर्म कर रहा था। तुम्हें काम करो, चल तू मेरे साथ, तुझे मैंने बताना है कि किस तरह सजाना है। चलो भाई चलो चलो भाई। तू कहाँ जा रहा है? आपके साथ। पैसे तू देगा? अल्लाह ना करे। बैठ।
तू डर मर। आई मैं मर गई। बड़ा लंबा रिएक्ट किया तूने। मेरी बात सुन ले, तुझे जो सजाना है ना, ऐसा लगे जैसे शादी का घर है। लेकिन लेकिन फेकिन नक्किन चप्पन कुछ नहीं, समझ आए तू? चल सही है, मैं सामान मंगवा लेता हूँ। हाँ सामान मंगवा ले, चल मेरे साथ आ जा। आई चल चल। बेटी मामू, आपसे एक बात पूछनी थी। आपने विक्की को शादी की डेकोरेशन के लिए कहा है? ये सब क्या है भाई साहब? क्या मामला है भाईजान? अरे भाई, हनी की शादी में तो मुझे बुलाया नहीं किसी ने। भाई मैंने कहा चलो ईद का मौका है और खुशखबरी भी है, तो क्यों ना भाई घर के माहौल को शादी वाला माहौल बना दे। क्या मामू, अगर कोई पूछेगा तो आप उनको क्या बोलेंगे? मतलब किसकी शादी हो रही है घर में? सना की शादी हो रही है। पापा आप फिर शुरू हो गए। अरे भाई मैं तो एहतियातन कह रहा हूँ, हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ कोई शादी हो जाए, कोई रिश्ता मिल जाए, बात खत्म हो गई भी। मगर मामू ये तो गलत बात हो जाएगी ना, ये तो छोटी है अभी। तुम्हारी शादी भी तो ऐसी हुई थी, क्यों भाई रानी? वैसे क्या तो आप ठीक रहे। तो फिर क्या सोच रहे हो? जाओ भाई लड्डू, जाके रिश्ता ढूंढो ताकि हम इस वर्ष भी सबकदोश हो जाए। अरे लेकिन भाईजान इस वक्त कहाँ से ढूंढे, ईद का मौका है, ऊपर से ये कोरोना कोरोना का चक्कर चल रहा है, हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ससुर जी। अबे तुम्हें कौन सा बाजारों में जाके ढूंढना, भाई जाओ कहीं अड़ोस पड़ोस में देखो कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, उनको बुला लो, भाई ईद की ईद भी हो जाएगी और शादी के फराइज भी अंजाम हो जाएंगे। पापा मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती हूँ। अरे भाई इसमें तुम्हारा फायदा ही फायदा है भाई। भाई तानी को देख लो, तानी तो तानी, तानी की बहन भी रानी। पापा मैंने कह दिया मुझे शादी नहीं करनी अभी। तुम्हारा बाप भी करेगा शादी। हाँ क्या मतलब भाई? अबे ऐसे ही बोल दिया, तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे तुम्हारे दिल पे लग गया। अच्छा तो फिर मामू करना क्या है? जाओ भाई लड्डू, जाकर रिश्ता ढूंढो। मगर मामू ये तो गलत हो जाएगा ना, छोटी अभी छोड़े ना। ज्यादा ना बोलना, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। अबे लड्डू शक्ल क्या देख रहे हैं, जा निकल जाके ढूंढ। अच्छा जा रहा हूँ मैं। तुम क्यों बैठे हो? जाओ। अच्छा चलो मैं चलो। कोई बुरा समझता है। हाँ भाई सामान तो हमने सारा चेक कर लिया है। हाँ। लेकिन एक बात बता दूं, सामान यहाँ रखने के बाद कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए इसमें। हमारी नजरों में एक एक सामान। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? अबे तो क्या तू हमारा भाई है? ससुर जी बात सुनो, आज के दौर में तो भाई भाई का नहीं है। शायद आप लोग मुझे जानते नहीं है। क्यों भाई, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता है या शेर के मुंह से बिस्किट छीन के खा लेता है? मुझे लगता है आप लोग सर्कस के बड़े चक्कर लगाते हैं, पहले वही काम करते थे क्या? ओ भाई ओ भाई जो बता रहे थे वो बताओ, बात सबने काम से काम रखो, क्या काम है तुम्हें? मैं ये कह रहा था कि हमारा ये काम आज का नहीं है। हाँ एक हफ्ते पहले शुरू किया होगा। नहीं नहीं एक साल तो हो चुका होगा। जी नहीं, हमारा ये काम पुरखों से चला आ रहा है, मेरे दादा के दादा के दादा ने शुगलों की शादी करवाई। अबे शुगलों की नहीं, मुगलों की करवाते होंगे। अरे मुगल तो चंद अरसे के लिए रहते, बाकी तो सारी जिंदगी शुगल ही रहे। तो देख रहा भाई कितनी लंबी लंबी फेंक रहा ये है। लपेटा जा रहा हूँ मैं। अच्छा सुने, यहाँ कोई नौकर है? हाँ बोलो ना। मैं नौकर की बात कर रहा हूँ। भाई काम बता, तू अपना काम बता यार। आपको बताते हुए अच्छा नहीं लगता साहब। अबे भाई बता दे, हमारे हुलिये पे मत जा, हम ही नौकर हैं यहाँ पे। क्या मतलब? अबे ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास यार, तू काम बता अपना यार। वो मुझे ना एक कप चाय चाहिए थी। अबे एक कप चाय के लिए तूने सारी फोन खुलवा दी? बात सुन, तू जाके बाहर रिश्ते का देख, मैं ऐसे चाय ठसवा के आता हूँ। इसको ऐसी चाय ठसवाओ ना, बिल्कुल चाय के कप में गिरा देना। जा जा जा। अब बात सुन बे, चाय कप में पिएगा या फीडर में? क्या मतलब? देखिए मैं बहुत गुस्से करते हूँ, मैंने मुंह ना लगा, कप में पिएगा या? बस लेके आ रहा हूँ। अच्छा चीनी ना दो चम्मच डालिएगा। अबे इतना ही मीठा काफी नहीं है, जो और मीठा पिएगा।
एक ही डाल दूं तो बहुत है। लड़का कौन है भाई? अरे मामू मैं तो पहले से ही गर्दन मारूं, अब मैं तो हो नहीं सकता। ये बैठे मेरे बराबर में ये है। अबे तो फिर निकाब क्यों डाला हुआ? मुंह दिखाने के काबिल नहीं है क्या ये? नहीं मामू, वो वबा चल रही है ना, बस उसी से बचने के लिए। कोरोना कोरोना, ये मास्क है मास्क। एक मिनट ठहर जा, मेरी तरफ से ये रिश्ता इनकार है। है? क्यों? अबे ना कोई बहन है, ना कोई भाई आया, ना कोई माँ आई, ना कोई पप्पो, ना कोई खाला, अकेला चला आया ये। अरे थोड़ा सबर तो करें, वो लोग भी आ जाएंगे भाई। अब तो उसके साथ ही आ जाइयो, चल निकल यहाँ से। चलो भाई, गेट बंद कर लीजिए भाई, गेट बंद कर लीजिए। मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद? अभी तो तय कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छे मियां, कौन सी दुनिया से आयो? तेरा सैयारा है ना, उसके आगे वाले सैयारे से आया हूँ। कौन है आदमी? मैं बताता हूँ कौन है। ये हमारे मामू जी, हमारी तानी बेगम के भाई। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा बात सुनो, तो खाने पीने की चीज लाए हो? अरे भाई जाहिर सी बात है, ईद का दिन है, शीर कोरमा लाया हूँ। शीर कोरमा? क्या लाया हो? शीर कोरमा। शीर कोरमा? अबे क्या सिवैयों में बोटियां डाल के लाए हो? शीर कोरमा? अबे शीर खोरमा होता है। खो बंदर मत बन। अब शीर खोरमा हो या कोरमा, मैं तो खा लूंगा। अच्छा अब समझ में आया मुझे कि मुबारकबाद क्यों दे रहा था ये। शुक्र है गुजरने से पहले समझ गए। सुनो अब तुम जाओ, ये बर्तन मैं लेके आ जाऊंगा। हाँ हाँ बर्तन ले आना, लेकिन खाली बर्तन मत लाना, इसमें कुछ डाल कर लेकर आना। पानी भर के ले जाना, दो उधरेगा ये। लड्डू के पास टाक है, ये देखो ले आया। अच्छा तो ये उतार निकाब उतार। ये तू मुर्गे जैसा, मुर्गा बन बे। जाने दे इसको। नहीं पसंद। अरे देख लो, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी है नशा। सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। चूहे बिल्ली का है खेल, आज के हो जाए आजाद। यार स्टॉक तो बहुत है इसके पास। यार गजब हो गया, जितने भी लड़के मैंने जमा किए थे ना, वो तो सारे के सारे भाग गए। अबे अच्छा हुआ भाग गए, सारे दागी माल ले आया था तू। नहीं मामू अच्छे भी थे। अबे चल मामू, बात सुन लो मामू। अबे चल बे मामू, बात तो सुनो मामू। तेजी दिखा मामू, सीधे हाथ को मोड़। अबे यार ये क्या चाह रहा है यार मामू, क्या चाह रहा है यार? ये तो समझ ही नहीं आ रहा, इनको चाहिए क्या? अस्सलाम वालेकुम। भाई यार तुम लोग अभी तक यहीं बैठे हुए हो? अबे इसको भी चैन नहीं है यार। चैन डालने की जरूरत है। एक बात बताओ मुझे, ईद का दिन है, तुमने नए कपड़े पहने, सुकून से अपने घर में बैठो अपने खानदान वालों के साथ, क्या पूरे गली मोहल्ले में घूम रहे हो तुम? अरे तो क्या हुआ प्यारे मियाँ, ईद के दिन पूरे मोहल्ले में अरे खाने पीने की चीजें बांट रहे हैं। तो हमारे भी कभी काम आ जाओ यार। तो बोलो ना क्या काम है, बोलो। देख बात सुन। अबे यार बस इतनी सी बात? हाँ तो प्यारे मियाँ को बताओ ना। देखो बात सुनो, हमारे मोहल्ले में एक लड़का है, उसकी वालदा आ सकती है। अब तो बुलाओ ना यार। देर किस बात की, जल्दी करो ना। भाई बात सुनो, इतना टाइम नहीं है प्यारी मियां के पास, मैं तुम्हें नंबर दे देता हूँ, खुद बात कर लेना। जब मिला जब बन नहीं, अबे सही वाला नंबर बताओ। 03345। मेरा कह देना मैं नहीं हूँ। अच्छा ठीक है आप नहीं है। ये कहूं लड़के की अम्मा है। मैंने तुमसे पूछा? अबे तुम्हें तो घर वाले नहीं पूछते। हाँ जी मैं लड़के की वालिदा हूँ। भाई कोई तो औरत दिखी है, लड़का कहाँ है? नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं जहाँ कहूंगी वो वही शादी करेगा। ये हुई ना, देखो खानदानी लोग हैं। भाई मेरी तरफ से भी रिश्ता पक्का ही समझे। लेकिन पापा सब तुम आप एक काम करें, अपना मोबाइल नंबर दे दें, इंशाल्लाह तफसील से बात कर लेंगे। फिर ईद की तकरीबात भी है, जरा बिजी भी रहूंगा ना मैं।
जी ठीक है, आप मेरा नंबर लिख लें, 0303। हाँ अच्छा जी, मैं चलती हूँ, ठीक है। अच्छा ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह, कयामत है, कयामत। ये क्या मजाक है पापा, लड़का देखे बगैर आप शादी के लिए हाँ कैसे कह सकते हैं? अरे भाई, खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन पापा, लड़का देखने में कैसा है, करता क्या है, ये सब तो हमें पता ही नहीं है। अरे भाई, तुमने सौरभ को नहीं देखा? कयामत थी, कयामत। भाईजान, भाईजान क्या है? अबे जाहिल आदमी, मेरा मतलब कहने का ये कि क्या औरत थी, इतनी शरीफ, इतनी नेक परवीन। हा 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 हा, मैं कह रहा था कयामत में कैसी औरत नहीं मिलेगी। चल जा, खाने पीने का बंदोबस्त कर। कैसी बात पलटी है भैया इसने यार। मानती हो ना बाप तेरा। दबाई लड्डू, काम आम तो देख लिया ना सारे तूने। अच्छा जी, मेरा काम तो हो गया, मैं चला। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, कहाँ जा रहे हो? यार अभी ईद में 2 दिन बाकी हैं, अभी तो गोद भराई भी नहीं हुई भाई। देखिए जी, जिन्होंने पैसे देने थे ना, वो जा चुके हैं आज तक का हिसाब करके, और बोल के गए हैं कि वो शादी कर रहे हैं और अपनी बेटी के लिए ये लिफाफा दे के गए हैं। भाई साहब चले गए शादी करके? क्या, पापा ने शादी कर ली? किससे? वो भी इतनी अचानक? पापा ने मेरे कंधे पे बंदूक रख के। बंदूक नहीं, पूरी तोप रख कर। सही बात है यार, सही बात। पापा। रुको भाई, रुको। समाजी फासला, जज्बात में वबा को ना भूले। दूर दूर। फासला फासला फासला। अच्छा भाई मैं जाऊँ, शादी तो हो गई और पैसे भी आज तक के दिए, तो मैं चलता हूँ। अबे भाई रुक जा यार, तुझे अपनी पड़ी है यार। भाई आप लोगों का मसला तो बहुत लंबा लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तुम जाओ यहाँ से। हाँ, मेरा सामान। ओ भाई, तेरा सामान कहीं नहीं जा रहा, तेरा सामान यहाँ हिफाजत से मौजूद है। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, दिन गुजर जाएगा तो मेरा बंदा पैसे लेने आ जाएगा। ओके बाय बाय। अदाएं तो देख लो। तो वाह, ये अजीब हरकत की भाईजान ने वैसे। सही बात है, सही बात है। बेटी के हाथों में मेहंदी लगाने के बजाय अपने बालों में मेहंदी लगा गए वो। अब समझ में आया उन्हें कोई लड़का पसंद क्यों नहीं आ रहा था। वो हर लड़के में औरत तलाश कर रहे थे। बस बस ऐसे ही है रानी भाई। बात पता क्या, मैं तन्हाई महसूस कर रहा था तो मैंने सोचा कि भाई शादी कर ली जाए। लड़की भी माशाल्लाह अच्छी है, वेरी गुड, बेहतरीन है। तो शादी के बाद जो हालात होंगे वो बाद में बताऊंगा तुम्हें, बेइज्जती होने के बाद। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, कहाँ चले? हमारे घर। यानी तो मेरा तो प्राइस बॉन्ड निकल आया, आपके घर जाना है। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। क्या सोच रहे हैं, चले भी? वो एक मसला हो गया, वो पर्स जो है वो घर में भूल आया हूँ। तो मतलब ये कि पेट्रोल के पैसे हैं आपके पास? क्या? तो क्या मछली के तेल से चलाऊंगा गाड़ी? अपने लिए क्या दुल्हन, मेरा मतलब दूल्हा, दूल्हा तलाश कर रही है? जी मैं अपने लिए दुल्हन तलाश कर रहा हूँ। हाँ देख भाई देख, शराफत से बता दे मुझे मेरी माँ कहाँ है। भाई मुझे तो अपनी माँ का भी नहीं पता, मुझे क्या पता कि तेरी माँ कहाँ है। मुझे लगता है तुझे इज्जत राज नहीं है। वो भी अच्छा लगा मुझे तो मैं उसे भी शॉर्टलिस्ट कर लूंगी। क्या मतलब है? मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा मतलब? मैंने कौन सा तुम्हें अभी सिलेक्ट किया था? अबे तू है कौन? मैं कौन हूँ बताऊँ? मैं उतारू क्या? उतारू उतारू। भाई देख, भाई देख, तमीज से बात कर, तुझे बता रहा हूँ मैं। बच्चों को ईदी देने का कोई रिवाज नहीं है तुम्हारे यहाँ? बात सुन, है लेकिन बहुत ज्यादा छोटे बच्चों को देने का रिवाज नहीं है। अब बताई दो सना, कौन बनेगा तुम्हारा पति? यही जो आपके सामने बैठा है। क्या? मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद।